पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन मंडल मुरादाबाद के द्वारा गुरु रसोई का आयोजन माता मंदिर लाइन पार में किया गया। गुरु रसोई में राहगीरों को भोजन निशुल्क वितरित किया गया, साथ ही सभी को सेवा भाव का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मिशन के प्रधान राकेश अग्रवाल, महिला प्रधान शोभा अग्रवाल के साथ साथ उपस्थित सभी सदस्यों ने गुरु पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरुवर को प्रणाम किया। इस अवसर पर महिला प्रधान शोभा अग्रवाल ने बताया कि जब से मुरादाबाद में सुधांशु जी महाराज ने कथा के दौरान भोजन वितरण का संकल्प दिलाया है, तभी से लगातार गुरु रसोई चलाकर भोजन वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर रणवीर सिंह, हिमानी सिंह, संजीव दीक्षित, नीरू दीक्षित, पूनम चौधरी, पुष्पा चौधरी, कविता सिंह, इंद्रपाल सिंह, अशोक कुमार, विवेक चौधरी, चारू चौधरी, गीता, वीरपाल सिंह, राजेश्वरी देवी, राजीव गुलाटी, उदय राज पांडे, हरिशंकर, आर डी दीक्षित, आर सी तिवारी, जयपाल सिंह त्यागी, गंगाराम, आर के गंगवार, संतोष देवी, सुनीता शर्मा, मीरा देवी, राजकुमारी शर्मा के साथ शोभा अग्रवाल और राकेश अग्रवाल उपस्थित रहे। भगवान की जय। रसोई का कार्यक्रम गुरु महाराज की कृपा से ही किया। किस तरह से सभी ने सपोर्ट किया है? सभी ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और सहयोग भी किया। विगत माह से चलता आ रहा है ये गुरुवर की रसोई के नाम से यहाँ गरीबों को जो है अन्न वितरण किया जाता है, भोजन की वितरण किया जाता है जी। अब कहाँ कहाँ है? नहीं, यहीं पे माता मंदिर लाइन पार में ही यहाँ हर महीने के संडे में ये कार्यक्रम किया जाता है। और उद्देश्य में ये गरीबों को भोजन वितरण, गरीबों को देना चाहेंगे संदेश देने की बात जहाँ तक है, देखिए मैं तो ये चाहूँगा कि ये हमारे सुधांशु जी महाराज हैं, उनकी प्रेरणा से हमने ये गुरुवर रसोई के नाम से ये भंडारे का आयोजन हम लोग करते हैं। इसमें सहयोग हमारे मंडल के जो प्रधान राकेश अग्रवाल जी हैं, महिला मंडल की प्रधान शोभा अग्रवाल जी हैं, गुलाटी जी हैं, उप प्रधान हैं, और हमारे तमाम ये जो दीक्षित लोग हैं, जो अनुयायी लोग हैं, सबका भरपूर सहयोग रहता है और बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लेते हैं। आज का कार्यक्रम हमारे पूज्य सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पे सभी दीक्षित लोगों ने मिलकर के आयोजन किया है। यहाँ पे विगत 2 माह से करते चले आ रहे हैं, जब से सुधांशु जी महाराज इस नगर में आए हैं, सत्संग करके गए हैं मार्च के माह में, तभी से उन्होंने यहाँ पे प्रेरणा दी थी कि यहाँ पर सब लोग जगह जगह अपना रसोई सत्संग करें, रसोई चलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जगह जगह मंदिरों में जाकर सुंदरकांड का पाठ करें। उसी में से एक यहाँ पे आयोजित किया गया है ये गुरु रसोई के नाम से। गुरु रसोई में हम यहाँ पर कभी कढ़ी चावल, कभी दाल चावल, कभी पूरी सब्जी या अन्य कोई जो भी कोई सब लोगों की इच्छा होती है उसको हम यहाँ पर मिल करके वितरित करते हैं। सब लोगों में बहुत उत्साह है इसके लिए। कोई अपने घर से चावल देता है, कोई दाल देता है, कोई आटा सब्जी, सब लोग देते हैं, बनवाते हैं इसे इकट्ठा, और सभी लोग आप देख रहे हैं कितने लोग उत्साह से यहाँ पे भाग ले रहे हैं इसमें। इसका उद्देश्य यही है कि भूखा ना रहे। हमारी सरकार तो देती ही है यहाँ पे गरीबों को सब कुछ, लेकिन हम भी यहाँ पे गुरुवर की प्रेरणा से बना बनाया भोजन उन्हें देते हैं, जिससे कि गरीबों का चलते हुए गरीब जो यहाँ पे चल रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, इधर उधर अपने काम पे जा रहे हैं, उनका पेट भरे, कोई भी भूखा ना रहे, यही हमारा पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।